हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन इस स्कीम में एलिजिबल है, यानी कौन ये स्कीम ले सकता है। फिर देखेंगे किस हिसाब से इसमें डिपॉजिट किया जाता है और कितना इसमें मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या मिलेगा, मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा और टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, और लास्ट में कि आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत नागपाल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, ये स्कीम स्पेशली फॉर वुमेन है, सिर्फ फीमेल्स के लिए स्कीम लाई गई है गवर्नमेंट की, और इसमें बड़ों के साथ साथ माइनर गर्ल्स के नाम पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं किस हिसाब से इसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें वन टाइम डिपॉजिट करना होता है, मिनिमम 1000 रुपीज़ से भी आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और 100 रुपीज़ के मल्टीपल्स में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मैक्सिमम स्कीम की लिमिट है 2 लाख रुपीज़ की, यानी एक नाम से मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक डिपॉजिट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो 2 लाख रुपये से कम भी स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं। मान लीजिए आप शुरू में 25,000 डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको दोबारा और अमाउंट डिपॉजिट करना है तो आपको मिनिमम 3 मंथ्स का गैप रखना होगा दोनों अकाउंट के बीच में। यानी आप मल्टीपल अकाउंट भी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स के खोल सकते हैं, लेकिन एक अकाउंट और दूसरे अकाउंट के बीच में 3 महीने का आपको गैप रखना होगा। ये स्कीम आपको पोस्ट ऑफिस में तो मिल ही जाएगी, उसके अलावा काफ़ी बैंक्स में भी आपको ये स्कीम इजीली मिल जाएगी। आप बैंक्स में भी जाके इस स्कीम को करवा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की। इस स्कीम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे रही है वो दे रही है 7.5% का पर एनम कंपाउंडिंग क्वार्टरली, यानी इसमें जो इंटरेस्ट हमें मिलता है वो हर 3 महीने बाद कंपाउंड किया जाता है। तो जो अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम में बैठता है वो बैठता है 7.71% पर एनम। ये बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्कीम में अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो 1 साल के बाद आप अपने अकाउंट बैलेंस का 40% अमाउंट तक विड्रॉ भी कर सकते हैं। और अगर लॉक इन पीरियड की बात करें तो इस स्कीम को आप 6 महीने से पहले क्लोज नहीं कर सकते, प्री मेच्योर क्लोजर अलाउड है लेकिन 6 महीने के बाद। और अगर आप 6 महीने के बाद इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो आपको 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दिया जाएगा, यानी 5.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी अमाउंट की और टैक्सेबिलिटी की। 2 साल का ये दोस्तों अकाउंट होता है, 2 साल के बाद ये मैच्योर हो जाता है और इसमें 2 साल के बाद आपको इकट्ठा इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है, यानी जो आप डिपॉजिट स्टार्टिंग में करेंगे विद इंटरेस्ट आपको 2 साल के बाद आपको दे दिया जाएगा। अगर आप पूरा 2 लाख रुपये डिपॉजिट कर लेते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,32,044 रुपीज़ का। अगर आप 1 लाख डिपॉजिट करेंगे तो मैच्योरिटी बनेगी 1,16,022 रुपीज़ की। इसमें ध्यान ये रखना है जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है, जो आपको इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा, यानी इसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि क्या आपको स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमें पता लग ही रहा है ये सिर्फ लेडीज़ के लिए स्कीम है, तो चलिए अब यहाँ पे हम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की FD से कंपेयर कर लेते हैं। 2 साल का हम FD का रेट देखेंगे और 2 साल का ये पीरियड तो है ही महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का, हम दोनों को कंपेयर करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में हमने देखी लिया है 7.5% का। एज ऑन डेट जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की FD का रेट है 7% का। लॉक इन पीरियड की बात करें तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स में 6 महीने से पहले आप पैसा ले नहीं सकते, लेकिन बैंक FD में ऐसा कुछ नहीं होता, आप कभी भी अपनी FD मैच्योर करके आप अपने अकाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क की। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स में मान लीजिए आप आज कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, मान लीजिए आज 1 लाख डिपॉजिट कर रहे हैं, आपके पास पूरे 2 लाख रुपये आज नहीं है, और 6 महीने बाद या 5 महीने बाद आप दोबारा स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.5% जो चल रहा है। लेकिन अगर आप आज SBI की बैंक FD में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 6 महीने बाद दोबारा करना चाहते हैं तो 6 महीने बाद जो बैंक का रेट नया मिलेगा उस टाइम उस पर आपको मिलेगा। हो सकता है 6 महीने बाद आपको 7% ना मिले, 6.7% मिले या 6.5% मिले। तो कहने का मतलब ये है कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स में कोई री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं है। आप दोबारा भी री इन्वेस्ट करेंगे, टोटल 2 लाख से नीचे नीचे ही आप कर सकते हैं, दोबारा भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सेम रेट मिलेगा जब तक ये स्कीम वैलिड है। लेकिन बैंक FD में ऐसा नहीं होता, री इन्वेस्टमेंट रिस्क हमेशा रहता है। जब भी आप री इन्वेस्ट करेंगे यानी नई FD कराएंगे तो जो रेट उस टाइम का होगा आपको वही मिलेगा।
चलिए अब इस लिहाज से देखते हैं तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स में काफ़ी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि विनर जो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, क्योंकि एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, सिर्फ एक कंडीशन है कि लॉक इन पीरियड स्कीम में है जो कि बैंक FDs में नहीं होता। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और सभी के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।